उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान वो G20 देशों को राष्ट्रपति भवन में दिए गए रात्रि भोज कार्यक्रम यानी डिनर में शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम रात 9 बजे रखा गया है, जिसमें तमाम मेहमान देशों के प्रतिनिधियों के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण दिया गया है। आपको बता दें कि 5 तारीख को हुए घोषित उपचुनाव का रिजल्ट कल यानी 8 सितंबर को घोषित हुआ। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को 42,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। 33 राउंड के चले इस मतगणना में बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को 81,668 वोट मिले, वहीं सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 1,24,427 वोट मिले हैं। वहीं दूसरी ओर G20 सम्मेलन के तहत वर्ल्ड लीडर्स के स्वागत में आज यानी 9 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस डिनर कार्यक्रम में G20 देशों से आए विदेशी मेहमानों के साथ देश के कई बड़ी हस्तियां और तमाम नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। इसके साथ ही देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक संसद भवन से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को G20 वेन्यू तक ले जाया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के बड़े बड़े उद्योगपति जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी एवं एन चंद्रशेखरन कुमार मंगलम भी शामिल होंगे। बहरहाल एक ओर यहां पर उत्तर प्रदेश में घोषित चुनाव को लेकर चर्चा तेज है, वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे की भी चर्चा है। लखनऊ से शिल्पी सेन की रिपोर्ट, यूपी तक।